नमस्कार प्यारे दोस्तों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम पहुंच गए थे महाराणा कुंभा, किसके जिक्र कर रहे थे भाई? महाराणा कुंभा के ऊपर जिक्र कर रहे थे। महाराणा कुंभा के बारे में काफी कुछ हमने देख लिया था। सबसे पहले हमने उसका जीवन परिचय देखा, किस प्रकार से उसके क्या क्या जीवन परिचय था। सबसे पहले उसका जन्म 1403 में होता है। उसका पिता मोकल था, माता सौभाग्यवती थी। उसकी पत्नी कौन थी भाई? कुंबल देवी। उसका पुत्र एक रायमल और एक उदा, दो पुत्र थे। उसके पश्चात बात किया, उसकी पुत्री रमा थी। ये सारी जानकारी हमने पता कर ली थी। उसके जीवन की प्रारंभिक चुनौतियों की बात करें तो तीन प्रारंभिक चुनौतियां मानी जाती है। एक तो पहली चुनौती जो मानी जाती है, उसके पिता मोकल की हत्या कर दी जाती है चाचा मेरा और महपा पंवार और एकाकी द्वारा। तो उनसे कैसे निपटा जाए और उनके कैसे पार करें, उनके उनको कैसे कहा जाता है कि उनको पराजित करें, तो ये पहली चुनौती। दूसरी चुनौती थी राठौड़ों का प्रभुत्व मेवाड़ में बढ़ता जा रहा था, तो उसको कैसे समाप्त किया जाए। तीसरी चुनौती उसके सामने आती है, कौन सी प्यारे दोस्तों? उसके सामने आ जाती है तीसरी चुनौती, वो आ जाती है साम्राज्य, यानी कि आसपास के राजा। क्या? आसपास के राजा या फिर पड़ोसी राज्य। कौन सी चुनौती आ जाती है? पड़ोसी राज्य, ये वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये ध्यान रखनी है। हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? सबसे पहले हमने बात की थी भाई चाचा मेरा की और महापा पंवार की। उसने रणमल की सहायता से हत्या कर दी थी। रणमल की सहायता से चाचा मेरा की हत्या कर दी थी, लेकिन महापा पंवार और एका कहाँ चले गए थे? उन्हें हत्या के दौरान कहा जाता है भक्कर कहाँ चले जाते हैं? मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के शरण में चले जाते हैं और शरण देते थे। मांगने पर ये मना कर देता है। मना कर देने के पश्चात ये युद्ध होता है। युद्ध कौन सा? सहारनपुर का युद्ध। और 1437 में सहारनपुर का युद्ध होता है। 1437 में सहारनपुर के युद्ध में कहा जाता है कि मोहम्मद खिलजी पराजित होता है और विजय कौन होता है? महाराणा कुंभा की विजय होती है। कुंभा विजय होने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया जाता है। किसका निर्माण करवाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। इसी विजय स्तंभ के बारे में हम जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। क्या क्या था विजय स्तंभ के बारे में? काफी कुछ हमने देखा था भाई। ये विजय स्तंभ आपका, और विजय स्तंभ जो है प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? 9 मंजिला इमारत माना जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? 1440 से और 48 के बीच इसका निर्माण करवाया था अपने प्रधान शिल्पी जेता और जेता के पुत्र नापा पोमा पुंजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये 9 मंजिला इमारत मानी जाती है। इसकी आकृति डमरू के समान है। डमरू के समान है। इसका पूर्ण निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। 9 मंजिला नवनिधि के प्रतीक मानी जाती है। राजस्थान पुलिस अभिनव भारत और किसका? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इतनी चर्चाएं हमने कर ली थी। इस पर 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है। इसकी ऊंचाई 120 से 122 फीट मानी जाती है। इसके 5वीं मंजिल पर इसके वास्तुकारों की फोटो लगी हुई है। क्या लगी हुई है? इसकी फोटो के और इसके नाम लिखे हुए हैं। और 9 बार अल्लाह शब्द 3री मंजिल पर लिखा हुआ है। किस पर लिखा हुआ है? अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। उसके पश्चात विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर प्रथम मंजिल पर लगी हुई है। ये चर्चा है हमने विजय स्तंभ के बारे में कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है भाई? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है विजय स्तंभ। और इसके कर्नल जेम्स टोड ने इसके टार्जन टावर से भी श्रेष्ठ इमारत बताया। दिल्ली की कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया और फर्ग्यूसन ने टार्जन टावर के समान बताया इसको, रोम के टार्जन टावर। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर विजय स्तंभ के ऊपर क्या? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया 15 अगस्त 1949 को। और कहा जाता है ये कितना मंजिला है? 9 मंजिल का प्रतीक माना जाता है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और क्या देखा था हमने? इसके उपनाम, इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है, विक्ट्री टावर कहा जाता है, नवनिधि को प्रतीक कहा जाता है, इसे भारतीय चित्रकला का विश्वकोश कहा जाता है, मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इसी के जैसा एक यहाँ पर और बना हुआ है। वो कौन सा बना हुआ है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर जो बना हुआ है प्यारे साथियों, उसकी बात करें, किसकी बात करें? यहाँ पर जो दूसरा देखने को मिलता है जैन कीर्ति स्तंभ, इसी के पास में क्या बना हुआ है भाई? जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जैन कीर्ति स्तंभ। क्या? जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कौन सा स्तंभ बना हुआ है? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ इसी के पास में क्या बना हुआ है भाई? जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। तो जैन
कीर्ति स्तंभ क्या बना हुआ है, जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। और ये जैन कीर्ति स्तंभ इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये किसने करवाया, ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देखिए इसके निर्माण की बात करें, जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो इमारत है वो 7 मंजिला मानी जाती है। कितने मंजिला मानी जाती है, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला इमारत मानी जाती है भाई, 7 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है, पहले इमारत, और इस प्रकार से इसके आकृति मीनार के समान है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठी मंजिल और ये 7वीं मंजिल। 7 मंजिला इमारत मानी जाती है, कौन सी, जैन कीर्ति स्तंभ। क्या है भैया, जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ है ये जैन कीर्ति स्तंभ है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये भी यहाँ पर बना हुआ है, ये अलग इमारत, ये अलग, वो विजय स्तंभ अलग इमारत है भाई। इसका निर्माण बघेरवाल समाज के जैन जी जाने करवाया था। किसे, बघेरवाल, बघेरवाल समाज के, समाज के जैन जीजा नामक व्यापारी ने करवाया था। जैन जीजा व्यापारी ने करवाया था, किसने करवाया, जैन जीजा व्यापारी ने करवाया। कब करवाया इसका निर्माण, 12वीं सदी में। कब, 11वीं से 12वीं सदी में इसका निर्माण होता है। कब होता है भाई, ठीक है, याद रह जाएगा। ये 7 मंजिला है, कितने मंजिला है, ये 7 मंजिला इमारत है, ये 7 मंजिला है। इसके आकृति मीनार के समान है, इसकी आकृति किसके समान है, मीनार के समान है, इसकी आकृति मीनार के समान है। कैसी भाई, इसकी आकृति मीनार के समान है। ये आदिनाथ को समर्पित है, ये क्या है, आदिनाथ का, यानी कि जो प्रथम कहा जाता है जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर हुए थे, कौन, ऋषभदेव, कौन, ऋषभदेव। तो ये इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर किसका, ये ऋषभदेव का एक मंदिर माना जाता है, किसका, ऋषभदेव का क्या है, यहाँ पर ऋषभदेव की प्रतिमा है, यहाँ पर क्या है, ऋषभदेव की प्रतिमा है। इसे क्या कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आदिनाथ स्तंभ कहा जाता है, आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। यह ऋषभदेव को समर्पित है, किसको समर्पित है, ये आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ, आदिनाथ किसको समर्पित है भाई, ये आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, समर्पित है, किसको समर्पित है, ये आदिनाथ को समर्पित माना जाता है। ये जो विजय, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ये कहाँ पर बना हुआ है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। इसका निर्माण बघेरवाल समाज के जैन जीजा द्वारा करवाया गया। कब, 11वीं सदी में करवाया गया भाई। ये 7 मंजिला है, इसकी मीनार के समान आकृति है। ये ऋषभदेव का मन प्रतिमा यहाँ पर किस क्या है, ऋषभदेव की प्रतिमा लगी हुई है। ये आदिनाथ स्तंभ भी कहलाता है और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। ये किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, याद रह जाएगा। ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। और बात करें, अब बात करते हैं हम कुंभा की। ये लगे हाथ मैंने इसलिए बता दिया, ये दोनों इमारतें एक जैसी दिखती है, इस कारण हम बात की। चलिए आगे बात करते, किसकी बात कर रहे हैं भाई, कुंभा की बातें कर रहे हैं, किसकी, कुंभा की बातें कर रहे हैं, किसकी, कुंभा की बातें कर रहे हैं, किसकी, मेवाड़ का राजा कुंभा, ये कुंभा की बातें कर रहे हैं। और कुंभा या राणा कुंभा की बातें हम बात कर रहे हैं। कुंभा के बारे में हमने देखा था पहले दोस्तों, पहले जो उसकी 3 चुनौतियां थी, पहली तो थी उसके हथियारों का बदला लेना, उसके पिता के हथियारों का बदला लेना। अब दूसरी चुनौती की बात करें तो सेकंड चुनौती थी उसके मारवाड़ में, मेवाड़ में। देखिए उसके साथ हम भाई, पहले तो हमने देखा था किसके साथ, मालवा के साथ संबंध, और मालवा का जो शासक है मोहम्मद खिलजी प्रथम, जिसने सारंगपुर के युद्ध पर, सारंगपुर का युद्ध में पराजित किया था कुंभा ने, कुंभा ने पराजित करने के पश्चात इस पर अधिकार कर लिया जाता है और कहा जाता है इसको बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद का कुछ समय तक यहाँ रखता है और बाद में छोड़ देता है, ठीक है। अब क्या कंडीशन होती है, मोहम्मद खिलजी, कौन, मोहम्मद
खिलजी, मोहम्मद खिलजी, ये प्रथम हूँ। कहाँ कहाँ? मालवा का। कहाँ कहाँ? मालवा, मालवा का शासक है ये। मांडलगढ़ पर, किस पर? मांडलगढ़ पर। कब पैर दोस्तों? कब? 1446। कब? 1446 और 1446 और 1447, 1456 कब पैर दोस्तों? 1454 में। ठीक है, तीन बार आक्रमण करता है। कितने बार? तीन बार आक्रमण, असफल आक्रमण करता है। असफल आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, क्या करता है भाई? असफल आक्रमण करता है। मोहम्मद खिलजी कहा जाता है यहाँ 1446 में दो बार तो करता है और 1454 में एक बार करता है, और असफल आक्रमण किसके ऊपर? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा। ये कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। इसके ऊपर आक्रमण करता है ये। ठीक है, उसके पश्चात देखिए इसका जो संबंध देखा जाए किसके साथ, देखे भाई ये कुंभा, और कुंभा का जो संबंध है वो किसके साथ? किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुंभा के बारे में। और कुंभा का जो संबंध है वो किसके साथ देखे? अब बात करते हैं मारवा नागौर के साथ कुंभा के संबंध। नागौर के साथ कुंभा के संबंध, नागौर के साथ कुंभा के संबंध देखिएगा। ठीक है, अब क्या कंडीशन है? देखिए कंडीशन ये है कि नागौर का शासक था भाई, कौन था भाई? फिरोज खान। कौन था? फिरोज खान। कौन था भाई? फिरोज खान। और ये फिरोज खान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिरोज खान की मृत्यु हो जाती है तो इसका एक भाई था, इस फिरोज खान का भाई था कौन? मुजाहिद खान। कौन? मुजाहिद खान, मुजाहिद खान। और इसका एक पुत्र था। क्या? इसका एक पुत्र था। अब आपको पता है कि पुत्र शासक बनता है भाई, इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? पुत्री बनेगा। फिरोज खान की मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र था शम्स खान। कौन था भाई? शम्स खान इसका पुत्र था। और इसके बाद कौन शासक बनना चाहिए? शम्स खान को शासक बनना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि इसके स्थान पर शम्स खान को हटाकर कौन? मुजाहिद खान शासक बन जाता है। ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? शासक बन जाता है इसकी मृत्यु के बाद। इसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बन जाता है? मुजाहिद खान शासक बन जाता है। और किसको हटाकर? शम्स खान को हटाकर। शम्स खान यहां से जाता है और ये किसकी शरण में चला जाता है? ये कुंभा की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में चला जाता है? कुंभा। किसके? ये कुंभा की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में चला जाता है? कुंभा की शरण में चला जाता है। ठीक है, किसको शरण दी भाई? शम्स खान को। किसको? ये शम्स खान। ये किसकी शरण में चला गया? कुंभा की शरण में चला जाता है। अब कुंभा की शरण में चला जाता है, कुंभा की शरण में चला जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि यहां पर देखिए, जहां पर कुंभा सेना भेजता है, कुंभा क्या करता है? कुंभा सेना भेजकर किसको? शम्स खां को शासक बना देता है। कहां का? नागौर का। कहां का? नागौर का।
शमशका को शासक बना देता, भी अपनी सेना भेजता है और कहा जाता है मुजाहिद खां को हटा देता है, और मुजाहिद खां को हटाकर शमशका को वहां का शासक बना देता है। ठीक है, शमशका को शासक बना दिया, और शमशका को शासक बना देने के पश्चात क्या होता है भाई, कुछ समय पश्चात इसने कुछ, कुंभा ने क्या है शर्तें रखी थी, कुंभा के द्वारा क्या कुछ शर्तें रखी गई थी, और शर्तें रखने के पश्चात ये शर्तों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर देता है। कौन? ये शमशका। नागौर का शासक कौन है? शमशका बन गया। शमशका बन जाने के पश्चात कहा जाता है कि ये कुछ समय पश्चात क्या करने लग जाता है, ये शर्तों का उल्लंघन करना लग जाता है, और शर्तों का उल्लंघन करने के पश्चात क्या कंडीशन होती है कि भाई जाज के किसी को भेजता है कुंभा कि जाओ रे भाई देख के आओ शमशका हमारी शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वहां पर भेजा जाता है, तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि वहां पर पता चलता है कि शमशका इसका कोई पालन नहीं करता, किसी प्रकार का पालन नहीं करता, और ये पालन नहीं करने के बावजूद कहा जाता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, सिचुएशन ये होती है कि क्या कंडीशन होती है कि शमशका ने क्या किया, शमशका से कहा था कि भाई एक तो तू निर्माण कार्य नहीं करवाएगा, नागौर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाएगा, कुंभा ने कहा था भाई इसको शासक बना ठीक है कि नहीं करवाऊंगा और किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा, तो कहा जाता है कि निर्माण कार्य प्रारंभ कर देता है। तो कुंभा को गुस्सा आता है, वो कुंभा फिर सेना भेजता है और कहां पर नागौर पर अधिकार कर लेता है, किस पे ऊपर नागौर पर अधिकार कर लेता है। तो शमशका यहां से कहां से प्यारे दोस्तों, शमशका कुंभा नागौर कर सेना भेजकर कुंभा किस पर अधिकार कर लेता है, नागौर पर अधिकार कर लेता है, किस पर नागौर पर। शमशका जब लेखो पहले तो शमशका शमशका जब कुंभा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो कुंभा नागौर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, अर्थात इसको क्या नागौर पर अधिकार कर लेता है, किस पर अधिकार कर लेता है भी नागौर पर अधिकार कर लेता है, कौन कुंभा क्या कर लेता है नागौर पर अधिकार कर लेता है, नागौर पर अधिकार कर लेता है, क्यों कर लेता है, क्योंकि इसने कहा था कि यहां पर निर्माण कार्य शमशका से कहा था, शमशका ने क्या किया था, शमशका ने नागौर में कहां पर नागौर में निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया था, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब निर्माण कार्य के मना की थी कुंभा ने, तो फिर भी इसने निर्माण कार्य करवा दिया था। अब जब निर्माण कार्य करवा दिया था तो कहा जाता है ये अधिकार कर लेता है, क्यों, क्योंकि इस पे निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था। यहां से शमशका कहां से प्यारे दोस्तों, यहाँ से शमशका कहाँ चला जाता है, यहाँ से शमशका चला जाता है गुजरात के शासक, कहाँ गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन, किसे गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन, कौन था कुतुबुद्दीन की शरण में कहाँ चला जाता है, शरण में चला जाता है, कौन शमशका, और शमशका गुजरात के शासक से इसकी पुत्री, किसकी पुत्री, पुत्री नगा का विवाह कर देता है, इस नगा का विवाह किसके साथ कर देता है भी कुतुबुद्दीन के साथ, इस कुतुबुद्दीन के साथ क्या कर देता है विवाह कर देता है, क्या कर देता है विवाह कर देता है, ठीक है कर देता है, ठीक है इसके साथ विवाह कर देता है। अब कंडीशन क्या है, ये दोनों मिलकर सेना भेजते हैं कहां पर, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, कुतुबुद्दीन शाह और कौन गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह और शमशका दोनों संधि बन गए, संधि बनने के पश्चात ये दोनों मिलकर किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, ये गुजरात के ऊपर आक्रमण मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने आते हैं, लेकिन कहा जाता है प्यारे दोस्तों दोनों को पराजित करता है,
जब, ठीक है, दोनों को पराजित करता है, ठीक है, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह व शम्स खां, शम्स खां कुंभा पर आक्रमण करते हैं, कुंभा पर आक्रमण करते हैं, कुंभा पर आक्रमण करते हैं, कुंभा पर आक्रमण करते हैं और कुंभा लेकिन सफल नहीं होते, लेकिन सफल नहीं होते। जब दोनों सफल नहीं होते तो कहा जाता है, पर दोस्तों अब इधर से तो ये कुतुबुद्दीन शाह कहां का, गुजरात का शासक, एक तो ये, और फिर क्या कंडीशन पे है दोस्तों, इधर ये कुतुबुद्दीन शाह, एक इधर तो गुजरात, कौन, गुजरात, और इधर मालवा, एक तो गुजरात और एक मालवा, गुजरात और मालवा, इस मालवा वाले का एक सेनापति था, मालवा का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन, सॉरी मालवा का शासक था मोहम्मद खिलजी, कौन था, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, ठीक है, और इसका एक सेनापति था, इसका क्या था, सेनापति, और उसका नाम था ताज खां, कौन, ताज खां, ये ताज खां इसका सेनापति था, क्या था भाई, ताज खां इसका सेनापति था, ताज खां, ठीक है, ताज खां इसका सेनापति था, और इधर गुजरात का शासक कौन था भाई, इधर गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, कौन था, कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह, इस ताज खां के कहने पर ये दोनों मिलकर, एक तो गुजरात का शासक और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, संधि करते हैं भाई, क्या करते हैं, संधि करते हैं, क्या करते हैं, संधि करते हैं, और इस संधि को क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये चंपानेर की संधि, क्या करते हैं, चंपानेर, चंपानेर की संधि करते हैं, क्या करते हैं भाई, चंपानेर की संधि करते हैं, कब करते हैं, 1456 में करते हैं, कब करते हैं भाई, 1456 में ये संधि करते हैं, इस संधि के तहत क्या होती है, गुजरात के मोहम्मद शाह, ये पूरा चंपानेर की संधि का प्रक्रम है, ये संधि करते हैं, कौन सी संधि करते हैं, गुजरात, ये चंपानेर की संधि करते हैं, और चंपानेर की संधि जो होती है, यह संधि, यह संधि गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह और कहां का, मालवा, मालवा के, मालवा के मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के मध्य, मध्य ताज खां के सहयोग से होती है, किसके मध्य होती है भाई, ताज खां के सहयोग से ये संधि करवा दी जाती है, ताज खां के सहयोग से ये संधि होती है, और ताज खां के सहयोग से ये संधि होती है, तो दोनों में क्या क्या होता है, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत क्या करेंगे भाई, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत गुजरात व मालवा की सेना, गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना, संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी, मेवाड़ पर
आक्रमण करेगी, ठीक है। यह संधि होती है और इस संधि के तहत क्या होता है भाई, इस संधि के द्वारा क्या तय किया जाता है, गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना, गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना किसके ऊपर, गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना किसके ऊपर आक्रमण करेगी भाई, कुंभा के ऊपर आक्रमण करेगी। सीधी सी बात है, ये चंपानेर की संधि में यह तय होता है। क्या तय होता है भाई, गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना किसकी, गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना किसके ऊपर आक्रमण करेगी भाई, ये चंपानेर की संधि हो जाता है, हो जाती है। इसके बाद जो घटना होती है प्यारे दोस्तों, इसके बाद कौन सा युद्ध होता है, इसके बाद बदनोर का युद्ध होता है। कौन सा, बदनोर, बदनोर का युद्ध। और बदनोर का युद्ध होता है प्यारे दोस्तों कब होता है, ये बदनोर का युद्ध होता है 1456 में, सॉरी 56 में संधि होती, 57 में बदनोर का युद्ध, 57 में। ये कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में, कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में, कहां पर पड़ता है भाई, बदनोर भीलवाड़ा में पड़ता है। और भीलवाड़ा में क्या होगा, बदनोर का युद्ध होगा, किस किस के बीच होगा, एक तरफ तो कौन होगा भाई, एक तरफ को आपको कुंभा, कौन होगा, एक तरफ तो कुंभा, कौन होगा, एक तरफ तो महाराणा कुंभा वर्सेज इधर कौन भाई, वर्सेज गुजरात का है कौन, एक तो कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का शासक, ये कहाँ का है, गुजरात का, कहाँ का है भाई, ये गुजरात का है। और दूसरा प्लस इसके साथ कौन है, मालवा का मोहम्मद खिलजी, कौन है, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, ये कहाँ का है, मालवा, कहाँ का है, मालवा। जब ये सेना कहाँ से आ रही थी भाई, जब ये सेना कहाँ से आ रही थी, ये सेना मालवा से, अर्थात ये सेना गुजरात से आ रही थी, गुजरात से आ रही थी। ये देखिए आपका राजस्थान इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, ये राजस्थान है आपका, इस राजस्थान में इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर है सिरोही, क्या पड़ता है भाई, सिरोही, ठीक है। ये और गुजरात की सेना इधर से आएगी, यहाँ सिरोही से होकर कहाँ आएगी, मेवाड़ में, कहाँ आएगी, ये मेवाड़ का क्षेत्र था और यहाँ पर ये सिरोही पड़ता था, यहाँ से निकल कर आई थी, तो यहाँ पर सिरोही का, कहाँ का, यहाँ पर क्या पड़ता है, ये सिरोही, क्या पड़ता है, सिरोही। और सिरोही का शासक था कौन प्यारे दोस्तों, सहसमल देवड़ा, कौन था, सिरोही का शासक, सिरोही, सिरोही का शासक कौन था भाई, सहसमल देवड़ा, सिरोही का शासक कौन था, सहसमल, सहसमल कौन था भाई, सहसमल। और इस सहसमल ने कहा, जब ये सेना आई तो किसकी, कुतुबुद्दीन शाह की सेना आ रही थी गुजरात से, गुजरात से सेना आ रही थी, तो ये क्या करता है, इसको चाय पानी पिलाता है, ओ भाई साहब आप किधर जा रहे हैं, कि हम तो कुंभा के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, कुंभा के ऊपर आक्रमण करने के लिए चलो, चलो तो मैं भी चलता हूँ, क्यों, क्योंकि इसने भी मेरे, हमारे भी कुछ क्षेत्र कुंभा ने अधिकार कर लिए थे, और अधिकार कर लेने के बाद हम भी इससे बदला लेना चाहते हैं, किससे, कुंभा से लेना चाहते हैं। तो कहा जाता है कुंभा भी का, ये जो सहसमल देवड़ा है ये भी इनका सहयोग करता है, क्या, सिरोही का, कहाँ का, सिरोही का सहसमल देवड़ा, सहसमल किसके साथ देता है, इनका साथ देता है। और कहा जाता है कि तीनों की सेना मिलकर किसके ऊपर आक्रमण करती है, ये युद्ध करती है, ये युद्ध बदनोर का युद्ध होता है, जिसमें कहा जाता है इस युद्ध में कौन विजय होता है भाई, इस युद्ध में विजय होता है कुंभा, कौन विजय हो जाता है, कुंभा विजय होता है। और यहाँ पर कहा जाता है तीनों को पटक पटक के मारता, भयंकर युद्ध होता है और इनको भगा देता है, क्या, और ये सहसमल देवड़ा भी बचकर भाग जाता है यहाँ से। और बचकर भाग जाने के पश्चात कुछ समय पश्चात उसको पता चलता है किसको, कुंभा को, किसको पता चलता है, कुंभा को पता चलता है। और कुंभा को पता चलने के बाद क्या कंडीशन होती है भाई, कंडीशन ये होती है कि, कंडीशन ये होती है कि जो कुंभा है, कुंभा अपनी सेना भेजकर, कुंभा अपनी सेना भेजकर इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में कुंभा की विजय होती है, विजय होती है, किसमें विजय होती है भाई, इस युद्ध में कुंभा की विजय होती है, ठीक है। इस युद्ध के बाद, के बाद कुंभा, कुंभा सिरोही पर अधिकार कर लेता है, सिरोही पर अधिकार कर लेता है,
कर लेता, किस पर अधिकार कर लेता है भी, सिरोही पर अधिकार कर लेता है। ये कहता है कि वो कौन था देखे, जब वो मालवा की सॉरी गुजरात की सेना आ रही थी उस समय किसने चाय पानी पिलाए थे रास्ते में, किसने चाय पानी पिलाए थे रास्ते में, और कि उसने चाय पानी पिलाने वाला कौन है भाई, तो सैनिकों ने कहा कि वो सरसमल देवड़ा, तो जाओ के आक्रमण करो साले के ऊपर। और कहा जाता है कि उसको हरा कर सिरोही पर क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है इस युद्ध के पश्चात। ठीक है भाई दोस्तों, अब ये युद्ध हो जाता है अर्थात यहां पर तीनों को पराजित कर देता है। पराजित करने के पश्चात अब कुंभा का, किसका पैर दोस्तों, कुंभा का, किसका, कुंभा का किसके साथ, हाड़ौती के साथ संबंध, या फिर कोटा, कोटा व बूंदी, बूंदी के साथ संबंध। ठीक है, कोटा बूंदी के साथ क्या संबंध रहते हैं, इसके क्या संबंध रहते हैं देखिए। इधर कोटा और कोटा का जो शासक था, कोटा का शासक था भाई भाणा, कौन था कोटा का शासक, सांडा, कौन था भाई सांडा, कौन था कोटा का शासक, सांडा। और इधर बूंदी का शासक था कौन, बूंदी, और बूंदी का शासक था भाणा, कौन था भाणा, बूंदी का शासक था, कहां का था ये, बूंदी का शासक था, ये सांडा कोटा का शासक था। ये भाणा किसके ऊपर आक्रमण करता है, कोटा के ऊपर आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण कर अधिकार कर लेता है, क्या कर लेता है, अधिकार, अधिकार कर लेता है, किसके ऊपर कर लेता है। ठीक है, भाणा बूंदी का शासक कोटा के ऊपर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेने के पश्चात फिर दोस्तों क्या सिचुएशन होती है कि ये जो है, ये जो देख रहे हैं हम, इसके बाद अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेने के बाद क्या होती है, इधर मेवाड़, किसके साथ, मेवाड़, और मेवाड़ का शासक कौन था भाई, यहां पर मेवाड़ का जो शासक था कुंभा, कौन था भाई कुंभा, और कुंभा की शरण में ये चला जाता है, कौन ये चला जाता है, कुंभा की शरण में कौन चला जाता है, सांडा, कोटा का शासक कुंभा की शरण में जाता है, और कुंभा जो है इसके ऊपर आक्रमण करता है, किसके ऊपर आक्रमण करता है, कुंभा आक्रमण करता है, किसके ऊपर आक्रमण करता है, और कुंभा आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद सांडा को कहा जाता है वापस कोटा का शासक बनाता है। कुंभा के सहयोग से, कुंभा के सहयोग से, सहयोग से कोटा का सांडा पुनः शासक बनता है, सांडा पुनः शासक बनता है, क्या बनता है भी, ये कोटा का शासक पुनः बन जाता है। और कहा जाता है कि ये कहां चला जाता है, यहां से भाग कर ये किसकी शरण में चला जाता है, ये मालवा की शरण में चला जाता है, कहां चला जाता है, ये मालवा चलाता जाता है, किसकी शरण में चला जाता है, ये मालवा में जाकर शरण ले लेता है। ठीक है, ये मालवा की शरण में चला जाता है, इस तरीके से ये कोटा के साथ संबंध हो जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहां पर बूंदी का शासक भाणा और कोटा का शासक कौन, सांडा, और कहा जाता है कि इसके ऊपर कौन कौन अधिकार कर लेता है, किस तरीके से अधिकार करता है, और ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो पहले हमने देखा, क्या देखा भाई, मालवा के साथ संबंध, मालवा के साथ सारंगपुर का युद्ध हुआ, उसके बाद देखा हमने, क्या देखा भाई, ये पड़ोसी राज्य नागौर के साथ संबंध, नागौर पर अधिकार कर लिया, नागौर के बाद गुजरात का, गुजरात के बाद कौन सा, मालवा के शासक, चंपानेर की संधि होती है, कौन सी संधि होती है भाई, चंपानेर की संधि, कौन सी संधि होती है, चंपानेर की संधि, और चंपानेर की संधि होने के बाद कौन सा युद्ध होता है, बदनेर का युद्ध। चंपानेर की संधि जो होती है ये कब होता है, होती है भाई 1456 में होती है, किस किस के बीच होती है, गुजरात के शासक कौन, कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी के बीच होती है, और इसके साथ ही किसके सहयोग से होती है, ताज खां के सहयोग से, किसके सहयोग से होती है, ताज खां के सहयोग से। इसके बाद हमने कौन सा युद्ध होता है, बदनोर का युद्ध, बदनोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में ये युद्ध होता है। युद्ध होने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, इस युद्ध में कौन जीतता है, सांगा, ये कुंभा जीत जाता है, कुंभा जीत जाने के बाद पुनः किस पर अधिकार कर लेता है, और ये कोटा के साथ इस तरीके से संबंध हो जाते हैं भाई, किसके साथ संबंध हो जाते हैं, कोटा के साथ संबंध हो जाते हैं कुंभा के।
तो ये सारी जानकारी समझ में आ गई। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, नेक्स्ट जो चलते हैं और नेक्स्ट जो बात करते हैं। पर दोस्तों ये तो हो जाते हैं इसके आक्रमण, और कई सारे और भी आक्रमण होते हैं, लेकिन कहा जाता है पर दोस्तों दूसरी समस्या क्या थी कि मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभुत्व। दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी चुनौती क्या थी, पहली चुनौती से हम निमट ले और दूसरी चुनौती क्या थी, मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभुत्व, मेवाड़ में बढ़ता मेवाड़ में राठौड़ों का बढ़ता प्रभाव, ठीक है। अर्थात यहां पर कौन हावी होता जा रहा था, रणमल, ठीक है। सबसे पहले बात भाई कौन, एक तो था रणमल राठौड़, ये रणमल राठौड़ था, ये किसका संरक्षक था, ये कुंभा का संरक्षक था। किसका संरक्षक था भाई, ये संरक्षक था किसका, कुंभा का। और कहा जाता है कि पूर्णतया यही आने कर रहने लग गया था, और एक दिन योजना क्या बनाता है भाई, बनाता है ये कि यहां पर इससे पहले अर्थात इसके सहयोग से किसका, चाचा मेरा और सारंगपुर का युद्ध जीत लेता है कौन, कुंभा ये तो जीत लेता है, लेकिन ये कुंभा को सटाने की योजना बनाता है। क्या कुंभा की सटाने की योजना बनाता है। एक दिन क्या होता है, होता ये है कि उधर देखिएगा एक राघव देव, यहाँ का कहाँ का, मेवाड़ का एक मंत्री हुआ करता था, कौन, मेवाड़ में किसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, राठौड़ों का जब प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है तो यहां से एक था चुंडा, किस कौन था भाई, चुंडा, इस चुंडा का भाई था, कौन था भाई, इसका एक भाई था राघव देव, कौन था, राघव देव। इस राघव देव, और कहा जाता है कि एक मोकल जो राघव देव है ये कहाँ था, कहाँ सरदार था, मेवाड़ी सरदार था, ये क्या था, मेवाड़ का सरदार हुआ करता था, ये राघव देव मेवाड़ का सरदार था, और सरदार होने के साथ साथ क्या कंडीशन है प्यारे दोस्तों, यहां पर सिचुएशन क्या मिलती है, सिचुएशन ये मिलती है कि ये कौन, रणमल, अब आपको पता है कि पहले कौन था यहां पर, मोकल, और मोकल की क्या थी, कुछ रानियां थी, क्या रानियां थी, इसे कुछ तो सतिया होगी, लेकिन रानियां तो बची हुई थी, इसका हरम कक्ष था, किसका हरम कक्ष, इसका किसका, मोकल का हरम कक्ष था, इस हरम कक्ष में जाने की कोशिश करता है, किसके, इस ये कौन, ये राठ रणमल राठौड़ इस मोकल के हरम कक्ष में जाने की कोशिश करता है, क्या करता है, इस हरम कक्ष में जाता है, जाने की क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है। जब ये जाने की कोशिश करता है तो ये राघव देव इससे क्या करता है, ये मना करता है, क्या करता है कि तू मोकल के हरम कक्ष में मत जा। और कहा जाता है कि जब ये राघव देव इसको रोकता है हरम कक्ष में जाने से, इसकी रानियों के पास जाने से, क्योंकि इसकी तो मृत्यु हो ही चुकी थी, मोकल तो मर ही चुका था, और इसका बेटा कौन, कुंभाराज कर रहा था, जब ये रोकता है तो राघव देव को ये कौन, रणमल, अपने सरदारों की सहायता से, भील सहयोगों की सहायता से क्या करता है, मार देता है, क्या कर देता है भाई, इसको निमटा देता है, किसको, राघव देव की हत्या कर देता है। जब यह हत्या कर देता है तो उसके पश्चात पैरो दोस्तों अब कंडीशन क्या है कि यह रणमल था, कौन, रणमल का प्रभाव बढ़ ही रहा है, रणमल राठौड़, इस रणमल राठौड़ का कहां पर प्रभाव, इस रणमल का राठौड़ का क्या है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, कहां पर, ठीक है, कहां पर बढ़ता जाए भाई, मेवाड़ में। एक दिन क्या करता है कि अब इसकी एक प्रेमिका थी, क्या, रणमल राठौड़ और इसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी, कौन भाई, यहां पर देखिएगा इसकी एक, ये रोजाना पीकर आता था भाई, ये दरवाजा, और दरवाजे में आने के बाद ये बेडरूम, ठीक है, यहां पर बीच में बेड लगा हुआ, और इधर इसकी प्रेमिका, ठीक है भाई, पिंक होगी बढ़िया सी पिंकी, ठीक है, और यहां पर कौन भाई, इसकी ये प्रेमिका, ठीक है, इसकी ये प्रेमिका,
ये मस्त मस्त से, ठीक है, मस्त सी प्रेमिका थी इसकी, किसकी भाई, इस रणमल की, ठीक है, काले काले बाल, ठीक है, ये मस्त सी प्रेमिका थी किसकी, रणमल की। अब रणमल की प्रेमिका है और इसका नाम था भारमली। क्या था भाई, ये रणमल की प्रेमिका, इसका नाम क्या था भाई, भारमली। एक इसका नाम क्या था, भारमली। रणमल की प्रेमिका कौन थी, ये नाम क्या था इसका, भारमली। देखिए ये कौन थी, भारमली, भारमली, इसका नाम क्या था, भारमली। ये दासी थी वैसे तो, और कहा जाता है इधर से रणमल, कौन भाई, रणमल, ये हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा बढ़िया मोटा सरदार था, ठीक है, ये हट्टा कट्टा बढ़िया उल्लू का पट्टा बढ़िया भाई, 7.5 फुट तो हाइट थी इसकी, ऐसी कहा जाता है कि ढंगढांग से किसी के पड़ जाए, जम जाए, तो ये एक ही बार में मार दे, इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति था, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये पीता था, रोजाना दारू पिया करता था, दारू पीता था, तो कहा जाता है कि उधर आपको पता है कि एक दिन ये यहां पर प्रवेश कर रहा था, हरम कक्ष में गया, अपने सोने राख पीकर आया, पीकर आने के पश्चात क्या यहां पर गया, और जाने के बाद बेडरूम में गया, बेडरूम में जाने के बाद क्या कहता है कि भाई ठीक है कि आ गए आप, आ जाने के पश्चात कि यार कि कहां तक हम ताने सुने, इधर राघव देव परेशान था तो राघव देव को तो मार दिया, किस किस को मारूं मैं, ये वो बातें करके ऐसा करते हैं, तेरे को सपनों की रानी बना देते हैं। भारमली से क्या कहता है ये, इस भारमली किसकी, इसकी प्रेमिका थी, क्या थी, इस रणमल की, ये कौन है, रणमल, कौन है भाई ये, रणमल, ये कौन है, रणमल, कौन है भाई, ये रणमल है, इस रणमल की क्या है ये, प्रेमिका, ये क्या है, इसकी गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, इसकी प्रेमिका ही, ठीक है, इस प्रेमिका है, और इस प्रेमिका से ये कहता है कि कहां तक इसके ताने वाने सुनता रहूं, इधर उधर के ताने सुनता रहूं, और ये कहता है कि तेरे को सपनों की रानी बना देते हैं, क्या बना देते, सपनों की रानी कर देते हैं, और कहां तक इधर उधर हम सहते रहेंगे इनके ताने, और तेरे को ही रानी बना देते, रानी कि अभी तक तो दासी थी, अब अचानक रानी कैसे बन जाऊंगे मैं, अभी तक तो दासी थी, अब रानी कैसे बन जाऊंगी, ठीक है, नहीं कि रानी बनाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो कुंभा है ना, इसको कुंभा को सरटाते हैं, किसको, कुंभा को मारते हैं और तेरे को रानी बना देते हैं, ऐसा ऐसी बात है कि हाँ, इसको मारेंगे कैसे, कि ऐसा करना कि तू खाना वाना तू ही ले जाती इसको, कि हाँ बिल्कुल मैं ही ले जाती हूँ, खाना भी तू ही परोसती, बिल्कुल मैं ही परोसती हूँ, और बनाती भी तू, ये ठीक है मैं ही बनाती हूँ, कि जब भी इसको खाना खिलाए तो ये जहर की पुड़िया ले, क्या ये पुड़िया पकड़े जहर की, इसके खाना रखे कुंभा को तो उसमें क्या डाल देना, ये जहर डाल देना, तो कहा जाता है ये सोते ही मर जाएगा। अब इसका दिमाग, ये तो सो गया इतना कहकर, सुबह उठा तो इसके दिमाग में तो चल रही भाई वो बातें कि और तो नहीं हमने यहाँ का मेवाड़ का नमक खाया है, किसका, मेवाड़ का नमक खाया है, भारमली ने सोचा। और भारमली किसके पास पहुंची, हंसाबाई के पास, किसके पास, हंसाबाई के पास पहुंची, किसके पास पहुंची भाई, हंसाबाई के पास, हंसाबाई कुंभा की दादी, हंसाबाई ये किसकी थी, कुंभा की दादी, कुंभा की क्या लगती थी, कुंभा की दादी, दादी हो गई ना, हंसाबाई माँ को मोकल की माँ है, तो कुंभा की दादी, कुंभा की दादी हंसाबाई। और इसने भारमली ने कहा हंसाबाई से कि ऐसी ऐसी बात है कि वो जो आपका भाई है ना रणमल, कि हाँ है, कि वो कुंभा को मारने का प्लान बना रहा है, कैसे बना रहा है कि भाई के ऊपर कभी मरे ही शक नहीं करे लुगाइयाँ, करेगी क्या, मरे नहीं करे भाई, नहीं नहीं कि तू बावड़ी की झूठ बोलती है तो, अरे कि मान जाओ जो मैं कह रही हूँ सत्य है, कि कैसे सत्य है, कैसे सत्य, ये देख के ये जेर की पुड़ियाँ दिए उसने, और ये कहा है कि वो कुंभा को जब रोटियाँ मिले, रोटियाँ रखे या खाना रखे, उसको भोजन रखे तो उसके भोजन में इसको डाल देना, किसको, मेरे को देख। हंसाबाई ने ले ली वो जेर की पुड़िया और क्या कहा, तो अब इसको कैसे मारे, अब डायरेक्ट कह दें उसको पता चल जाए तो कल नहीं मारते, कल मारता हुआ कुंभा, कुंभा को आज ही जा मारे साला, ठीक है, पहले तो वो जहर खिला के मारा है लेकिन अब डायरेक्ट ही जा मारे, ये भी बड़ा संकट, संकट तो सारा ही है, लेकिन अब क्या करें, करें तो क्या करें, ये समस्या, समस्या ये तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मालवा में नौकरी कर रहा है कौन, चुंडा, तो उसको बुलाओ, किसको बुलाओ, चुंडा को बुलाओ, और चुंडा को बुलाकर कहा जाता है उसके पास, अभी फोन लगाओ कि हेलो कुंभा, चुंडा जी क्या कर रहे हो भाई,
उसके पास पत्र लिखा चुंडा के पास, और मालवा में जब पत्र पहुंचा, पत्र पहुंचने के पश्चात तो उसको पता चला कि भाई मेवाड़ से पत्र आया है और मुझे बुलाया गया है कि भाई अब क्या नाराजगी चुंडा जी, अगर घर में दो बर्तन रहते हैं तो खटकते ही हैं, बजते ही हैं, तो आ जाइए ऐसा कीजिए आप, और मैं भी आपकी सोतली माई तो हूँ, हो जाती है थोड़ी बहुत, कि कब आना है तू तो ये बता, कि अभी राजधानी एक्सप्रेस ले तुरंत चल पड़ा। कहा जाता है कि वहां से चुंडा आता है और सुबह 8 बजे यहीं आ जाता है। कहाँ जाता है? मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ आ जाने के बाद चुंडा को सारा घटनाक्रम बताता है कि तेरा भाई वो राघव देवता वो भी मार दिया इसने। किसने मार दिया? कि इसने रणमल ने मार दिया। अब इसको कैसे मारे तू बता, कि इसको मारने के लिए तो ये 7.5 फीट का था आदमी साला, पूरा डील का डाकी है, दो चार आदमियों को झरपट दे जिसमें मार दे है, तो इसको मारने के लिए बड़ा उपाय सोचे। तो चुंडा ने दिमाग लगाया कि ऐसा करो, ये पीता तो है इसे, उस भारमुली को बुलाओ, और भारमुली से कहा कि तू ऐसा करना कि जब ये शाम को आए तो खूब पिलाना इसको, क्या खूब पिलाना, और खूब पिला के क्या करे टल्ली कर देना। क्या कर देना भाई? टल्ली कर देना। और ऐसा ही किया किसने? भारमुली ने। तो शाम को ये आया ही सही, यहाँ पर टेबल लगा ली, आज तो भाई टेबल लगा ली किसने? भारमुली ने टेबल लगा ली भाई साहब, क्या टेबल लगा ली यहाँ पर। और टेबल लगा कर इस पर क्या रख ली? बोतल। ये टेबल लगा ली और टेबल लगा कर क्या इस पर? ये बोतल लगा रख ली, ठीक है, 3-4 बोतलें रख ली भाई, 3-4 बोतलें रख ली, और ये गिलास रख लिया बगल में, ठीक है, और लिटिल लिटिल बनाने के लिए, ठीक है, ऐसी बोतल होती है, और कि वो फ्रिज में से निकाल के ला कि अच्छी सी अच्छी वाली और बढ़िया ले जा, कि तू शाम को आया तो खूब पिलाना, वो फ्रिज में से निकाल के बिग फाइबर वगैरह बोड़ बहुत अच्छी अच्छी ब्रांडेड ले जा के, और इसको बढ़िया अच्छे शैंपेन वगैरह बढ़िया सी पिला, कि ठीक है कि शाम को आने दे इसको पिलाती। और शाम को आया ही सही कौन? रणमल। शाम को रणमल आता है, रणमल आते ही कहा जाता है कि सोने के लिए चले सोते हैं, कि बेडरूम में जाने लगता है, अरे यार क्या अभी क्या जल्दी है क्या, आप मेरे से बातें ही नहीं करते कि भारमली ने कहा आप मेरे से बातें नहीं करते, कैसे नहीं करता कि बातें, तो आज बड़ी रोमांटिक मूड में दिख रही, अरे यार कि रोजाना बाहर से ही लगा के आते हो, आज एक दिन की मेरे साथ भी लगाओ यार, ऐसी क्या बातें करते हो, ऐसी बात है, अरे तो भारमली क्या दिल तोड़ने वाली बात करती, प्रेमिका थी सही। तो कहा जाता है कि यहां पर क्या पहले दोस्तों, यहां पर भारमली लिटिल लिटिल बनाकर देती गई इसको, और कहा जाता है एक बोतल खत्म की, दो बोतल खत्म की, बस एक मेरी तरफ से थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, एक पेक मेरी तरफ से, एक पेक बने दे यार, फिर देख मेरे झटके। तो कहा जाता है इसी प्रकार से इस रणमल को प्यारे दोस्तों एक एक पेक बना बना के 4-5 बोतलें खत्म कर दी साला, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा 4-5 बोतलों में इसके, अब जाके अचेत हो जाता है। क्या हो जाता है? अचेत हो जाता है। अचेत हो जाने के पश्चात ये चारपाई पे क्या है, गिर जाता है। क्या? चारपाई पे लेट जाता है, गिर जाता है अचेत होकर। किस पर गिर जाता है भाई? चारपाई पर गिर जाता है अचेत होकर, चारपाई पर अचेत होकर गिर जाता है। और वहीं पर इसकी पगड़ी निकाल के और ये भारमली की इसके हाथ और पांव दोनों को बांध देती है। क्या कर देती है? हाथ और पांव दोनों को इसकी पगड़ी से बांध देती है। यहां पर पांव भी इस खाट से बांध देती है और दोनों हाथों को भी इस पांव यहां से बांध देती है। और इस तरीके से ऐसे करके फैलाकर इसको कहां पर? खाट पर बांध देती है, खटिया पर, चार पाई पर ही अचेत होकर गिर जाता है। अचेत होकर गिर जाने के पश्चात फिर क्या करती है कि मेवाड़ी सरदारों को बुलाती है, किसको? चुंडा वगैरह को बुलाती है कि आ जाओ, कि बांध दिया मेरे को है, बांध दिया और निमटा दो के साले को। और कहा जाता है कि एक दो व्यक्ति इसको छाती पर बैठते हैं और छाती पर बैठ के इसको घोपते हैं, और छाती पर बैठने के पश्चात कोई तलवार से मारता है, कोई बहुत सारे सरदार रहते हैं, और अंत में क्या करता है कि इसको होश आ जाता है, छाती में चाकू घोपते ही इसको होश आ जाता है, तो दो व्यक्तियों को दीवार के भिड़ा के मार देता है साला। ये खाट सहित या चारपाई सहित खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाने के पश्चात ये चारपाई से भिड़ाता है किसको? उस व्यक्ति को, और मार देता है। पर दोस्तों कितना खतरनाक आदमी होगा, और ये भारमली के सहयोग से इसका अंत कर दिया जाता है। भारमली बेवफाई कर जाती है भाई, है ना, दगा कर जाती है इसके साथ, क्या कर जाती है? बेवफाई कर जाती है भारमली किसके साथ? रणमल के साथ। और कहा जाता है यहां पर रणमल का खात्मा कर देते हैं भाई। क्या? रणमल का खात्मा कर देते हैं। रणमल का खात्मा इधर होता है, चुंडा को अब लगा कि रणमल तो मर गया, मरने के बाद जितने भी मेवाड़ी सरदार है, सॉरी मारवाड़ी सरदार है, सबको मार दो, कि
चुंडा अब कहाँ बगता है, चुंडा अपनी सेना को लेकर किधर की ओर जाता है, चुंडा अब कहा जाता है कि यहाँ पर जो राव जोधा था, कौन प्यारे दोस्तों, राव जोधा था, इसका बेटा था, रणमल का बेटा था जोधा, और जोधा भी कहाँ पर, यहाँ पर रंगरसिया मना रहा था, क्या यहाँ पर एक संगीत महफिल चल रही थी, क्या संगीत महफिल चल रही थी, और उसमें नर्तकियाँ डांस कर रही थी, क्या ये नर्तकियाँ हैं, ये डांस कर रही थी और डांस के मजे ले रहे थे भाई साहब, कौन जोधा जी, कौन जोधा जी, यहाँ पर नर्तकियों के डांस के मजे ले रहे थे, ये डांसर थी यहाँ पर डांस कर रही थी, इधर जोधा जी की कुर्सी लगी हुई थी, इधर जोधा बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था भाई, जोधा बैठा हुआ था और यहाँ पर मजे ले रहे थे भाई साहब, ये जोधा बैठा हुआ है इधर और यहाँ पर खूब ताड़ियां वाड़ियां बजा रहे हैं, खूब मजे कर रहे थे, और यहाँ पर कौन था गायक, ये गायक ने अपनी भाषा में कहा, ये गीत गा रहा था, अब पहले के जमाने में डीजे वीजे तो थे नहीं कि डीजे बजा के नाच रही हो, ये तो ऐसा तो था ही नहीं, लेकिन कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इस गायक को सूचना मिल जाती है कि रणमल को सटा दिया गया, तो ये अपनी भाषा में कहता है कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए, जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए, अपनी भाषा में कहता है, और भाषा में कहने के पश्चात ही जोधा समझ जाता है, यहां से चपले उठाता है और दौड़ लगाता है प्यारे दोस्तों, किधर, ये कहा जाता है यहां से कहां, मेवाड़ से निकलता है, कहां मेवाड़ से निकलता है, किधर मंडोर की तरफ भगता है, कहां भगता है, मंडोर भगता है, किधर भगता है, मेवाड़ से मंडोर की तरफ भगता है, और मंडोर के बाद कहा जाता है वहां पर भी कौन पीछा करते हुए पहुंचता है, चुंडा इसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है मंडोर, मंडोर पर अधिकार कर लेता है चुंडा, और चुंडा अधिकार कर लेने के पश्चात ये कहां चला जाता है, काहुनी गांव, कहां चला जाता है, काहुनी, काहुनी चला जाता है और काहुनी गांव में चला जाता है, और काहुनी गांव कहां पर पड़ता है, ये बीकानेर, और बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर कहाँ पर प्यारे दोस्तों, बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर ये शरण लेता है, कौन लेता है, शरण लेता है कौन, जोधा, जोधा शरण लेता है, कौन, राव जोधा शरण लेता है, कहाँ पर, बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर ये शरण लेता है, कहाँ पर जाकर शरण लेता है, मेवाड़ से भगता है, कौन है ये जोधा, जोधा मजे कर रहा है इधर, कौन है भाई ये जोधा, यहाँ से भगता है मेवाड़ से मंडोर, मंडोर से काहुनी गांव में जाकर मंडोर पर चुंडा अधिकार कर लेता है और काहुनी गांव में जाकर शरण लेता है, ठीक है प्यारे दोस्तों, काहुनी गांव में जाकर शरण ले लेता है, ठीक है, और यहाँ पर किस पर, मंडोर पर किसका अधिकार हो जाता है भाई, काहुनी गांव इसका चुंडा का अधिकार हो जाता है या कुंभा का अधिकार हो जाता है, अब देखिए तो क्या करता है, मारवा मेवाड़ से राठौड़ों का यानी कि कुंभा, कुंभा रणमल का दमन, रणमल का दमन भारमली के सहयोग से करता है, भारमली के सहयोग से करता है, और मेवाड़ से राठौड़ों का प्रभुत्व समाप्त करता है, प्रभुत्व समाप्त करता है, ठीक है, किसके सहयोग से करता है, भारमली के सहयोग से किसका दमन कर देता है भाई, भारमली के सहयोग से इसका दमन कर देता है, किसका, राठौड़ का अर्थात मेवाड़ रणमल का दमन कर देता है, रमण मार देता है और हत्या करवा देता है भारमली के सहयोग से, और कहा जाता है कि यहाँ से राठौड़ का आधिपत्य समाप्त हो जाता है, कहाँ से, मेवाड़ से, जब मेवाड़ से राठौड़ों का आधिपत्य समाप्त हो जाता है, इधर देखिए भाई अब क्या होती है, आंवल बावल की संधि की बात करते हैं थोड़ी देर, उसकी आंवल बावल की संधि, आंवल बावल की संधि, आंवल बावल की संधि, आंवल बावल की संधि, और आंवल बावल की संधि कब होती है भाई, 1453 में, ठीक है, इधर जोधा है, कौन भाई, जो जोधा है, कौन, जोधा, ये संधि किसके, जोधा लगभग 15 वर्षों तक भटकता है, कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीता है, निर्वासित
जीवन जीता है, जीवन जीता है। क्या करता है? 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीता है, भटकता रहता है। भाई लगभग 1438 में किसकी हत्या कर दी जाती है? रणमल की हत्या कर दी जाती है। रणमल की हत्या 1438 में होती है और 1438 के बाद से 1453 तक ये कौन जोधा कई बार मंडोर को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन कहा जाता है सफल नहीं होता। क्या पढ़े दोस्तों? सफल नहीं होता, कई बार असफल प्रयास करता है, मंडोर पर आक्रमण करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। जब इसको सफलता नहीं मिलती तो ये जाकर किससे मिलता है? हंसाबाई से। किससे मिलता है? हंसाबाई से। इसकी बुआ लगती है भाई हंसाबाई, इसकी क्या लगती है? बुआ। क्या लगती है? बुआ लगती है हंसाबाई। इसकी बुआ लगेगी किसकी? जोधा की बुआ लगेगी ना हंसाबाई, हंसाबाई जोधा की बुआ लगेगी। और इधर कुंभा, कौन? कुंभा और जोधा दोनों को बुलाती है, कुंभा और जोधा दोनों को बुलाती है और दोनों के बीच में क्या करती है? दोनों को बुलाती है। दोनों को बुलाने के बाद ये संधि की वार्तालाप करती है। इधर ये कुंभा आ गया, कौन आ गया भाई? अपना कुंभा आ गया। इधर से कौन आ गया? ये जोधा आ गया। क्या आ गया? जोधा आ गया। ठीक है, ये पगड़ियाँ दोनों की बनी हुई है। ठीक है, जोधा और कुंभा दोनों आ जाते हैं और जोधा और कुंभा आ जाने के पश्चात इनके बीच में ये बुआ कहती है कि बुआ जी कि मेरी गलती क्या है? ये जोधा कहता है बुआ से कि मेरी गलती क्या है? मेरे बाप ने जो करते कहे हैं वो उसकी सजा वो भुगत चुका, वैसे तो उसके सजा वो भुगत चुका, अब मेरा दोष क्या है इसमें? मेरा दोष क्या है? मैं क्यों इसके अब तक भटकूं और अब मैं ऐसे भी अधिकार कर लूंगा मंडोर के ऊपर? ठीक है, तो इस कुंभा से कहे कि जो किसी न किसी प्रकार से मंडोर मेरे को दे दे। तो ये कुंभा को बुलाती है और कुंभा कहती है कि इधर आ रहे कुंभा, क्या है कि दोनों लड़ो तो मत हो और इसको मंडोर दे दे। क्या? मंडोर दे दे। और कहा जाता है कि इसकी मध्यस्थता से सोजत पाली में, किसकी? सोजत। कहाँ पर? सोजत पाली। कहाँ पर पैर दोस्तों? सोजत कहाँ पर पड़ता है? पाली में। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है, किसका? सीमा का निर्धारण किया जाता है। ये आवल वाला क्षेत्र, कौन सा? ये आवल और ये बावल वाला क्षेत्र, ये बावल वाला क्षेत्र, बावल यानी बबूल, कौन सा? बबूल वाला क्षेत्र। ये आवल यानी आंवला वाला क्षेत्र, आंवला वाला क्षेत्र। तो इधर मेवाड़ वाला क्षेत्र हो जाता है, मेवाड़ वाला, और इधर मारवाड़ वाला, कौन सा? मारवाड़ वाला क्षेत्र हो जाता है। और ये जो सीमा का जो निर्धारण किया जाता है, ये जो सीमा बनाई जाती है, ये सीमा कहाँ बनाई जाती है भाई? सीमा जो बनाई जाती है ये कहाँ बनाई जाती है? ये बनाई जाती है सोजत पाली। इधर वाला मेवाड़ वाला क्षेत्र, उधर वाला मारवाड़ वाला क्षेत्र, और आवल और बावल की संधि, आवल यानी आंवला अर्थात हरा भरा जो क्षेत्र है वो मेवाड़ का रहेगा और जो कंटीला वाला क्षेत्र है वो किसका? मारवाड़ का रहेगा। सोजत पाली में इसकी सीमा निर्धारित कर दी जाती है। और ये संधि कुंभा, यह संधि कौन सी? यह संधि, संधि कुंभा और, कुंभा और जोधा के बीच होती है, जोधा के मध्य हंसाबाई के सहयोग से होती है, हंसाबाई के सहयोग से होती है, हंसाबाई के सहयोग से यह संधि हो जाती है। और बात करें प्यारे दोस्तों, यह संधि तो हो गई, ठीक है, संधि हो गई, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि कुंभा का, ये और भी आक्रमण कर सकता है। ऐसा करो कि इधर क्या, ऐसा करो कि क्या करें, करना कुछ नहीं है, करना ये है कि इधर जोधा है, जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर, श्रृंगार, श्रृंगार कंवर और कुंभा का पुत्र, किसका? कुंभा का पुत्र कौन है? रायमल, रायमल। इन दोनों का क्या कर दो? विवाह कर दो। क्या कर दो? और दोनों का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है, दोनों का विवाह कर दिया जाता है। इधर श्रृंगार कंवर किसकी पुत्री? जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर और रायमल
कुंभा का बेटा, दोनों का विवाह कर दिया जाता है और ये संधि संपन्न हो जाती है। भाई कौन सी संधि संपन्न हो जाती है? यह मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की संधि संपन्न हो जाती है, जिसे आवल बावल की संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आवल बावल की संधि कहा जाता है। कब होती है? 1453 में होती है और इसको मंडोर दे दिया जाता है। मेवाड़ का साम्राज्य जोधा को सौंप दिया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आवल बावल की संधि संपन्न हो जाती है। किस किस के बीच? जोधा और कुंभा के बीच। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। चैनल पर बने रहिए। और कहा जाता है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और सब्सक्राइब चैनल को शेयर करना, और जहां जहां इसकी आवश्यकता है, जिन जिन लोगों के पास अर्थात जो व्यक्ति इसके पात्र है, वहाँ तक इसको पहुँचाने का कोशिश कीजिए प्यारे दोस्तों। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।